so we have completed our chapter let's see his book activity first is choose a correct answer and fill in the blank first the study of origin uh, origins and social relationship of human being is called that is anthropology 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 is the study of origin and social relationship of human being right next ह्यूमन बिगिंग टू ग्रो क्रॉप ड्यूरिंग द डैश एज कौन सी एज में ह्यूमन बींग्स ने क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट किया था करेक्ट आंसर इज न्योलैथिक न्योलिथिक एज द ओल्ड स्टोन एज इज डिवाइडेड इन टू ओल्ड स्टोन एज को कितने पार्ट्स में या कितने फेजेस में डिवाइड किया जाता है दैट इज थ्री अर्ली ह्यूम्स यूज फायर टू अर्ली ह्यूमन फायर का यूज करते थे इट्स ऑब्वियस टू स्केयर एनिमल्स द बिग्गेस्ट डिस्कवरी ऑफ न्योलिथिक एज वॉज दीकल्चर द बिग्गेस्ट डिस्कवरी ऑफ न्योलिथिक एज वॉज एग्रीकल्चर नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक ह्यूमन बिगेन प्रोड्यूसिंग क्रॉप थ्रू लॉन्ग डैश एंड विथ ह्यूमन डैश With long observation, O B S E R V A T I O N, observation and with human experience, E X P E R I E N C E, experience. Next is domestication of animal, plant, and animals. Let the emergence of village communities based on a sedentary life, sedentary life, S E D E N. T-A-R-Y, sedentary. It means a kind of settled life. Next is dash peoples made crude and unshaped tools. Crude and unshaped tools were used during Paleolithic age. P-A-L-A-E-O-L-I-T-H-I-C. Paleolithic people made crude and unshaped tools. नेक्स्ट इज डैश पीपल बिगेन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल एंड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कौन सी एज के लोगों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया और प्लांट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया करेक्ट आंसर इज न्योलेथिक एन ई ओ एल आई टी एच आई सी न्योलेथिक मैच द कॉलम मैच द कॉलम चिरंद इज इन बिहार चिरंद बिहार मेहरगढ़ बुलेचिस्तान मेहरगढ़ बुलेचिस्तान हुयुक इज इन टेलोर आंध्र प्रदेश डाउजिली ब्रह्मपुत्र वैली ओके